महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के सरकार के आश्वासन के बाद अपनी 2 दिवसीय हड़ताल बुधवार देर शाम को वापस ले ली है। कर्मचारी संघ के नेताओं ने यह जानकारी दी है। एसटी के कर्मचारियों के इस फैसले से गणेश उत्सव के दौरान यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। राज्य संचालित निगम के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार संगठनों की एक कार्य समिति ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इन नेताओं के अनुसार राज्य सरकार एसटी कर्मचारियों के मूल वेतन में 6,500 रूपए प्रति माह की बढ़ोतरी करने पर सहमत हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के अनुसार यह बढ़ोतरी अप्रैल 2020 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। एक सारखी लोकांना केलेले असल्यामुळे आम्ही हा संप मागे घेत आहोत। या याच्यामध्ये ज्यांना 2,500, 4,000 आणि 5,000 अशी वाढ मिळाली होती, 2,500 वाल्यांना 4,000ची वाढ देण्यात आलेली आहे। ज्यांना 4,000 झालेलं आहे त्यांना 1,500ची वाढ देण्यात आलेली आहे आणि ज्यांना 2,500 देण्यात आलेलं होतं त्यांना 4,000ची वाढ देण्यात आली आहे। या प्रकारे वाढ देण्यात आलेली असल्यामुळे हा सार्वजनिकरित्या सर्व कामगारांचा हा विजय आहे आणि या विजयामध्ये आम्ही सर्व लोक सामील आहोत आणि उद्यापासून आपल्या प्रवाशांची जी सेवा आहे, जी ब्रीद वाक्य आपल्या एसटी महामंडळाच्या सुजलाम सुफलाम प्रवाशांच्या सेवेसाठी, याप्रमाणे आम्ही प्रवाशांचे जे दैवत आहेत त्यांना डबल घेतात। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।